इफ्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ईडी की हिरासत में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने विधायक अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी अपने साथ लेकर गई। औपचारिकताएं पूरी होने पर गिरफ्तारी का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ईडी की हिरासत में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु जुड़ेंगे। विवांशु, अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ईडी की हिरासत में है अब्बास अंसारी। आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें एक बार बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने, यानी कि ईडी की टीम ने 2 बजे के करीब मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को हिरासत में लेकर और पूछताछ करती है। आपको बताया कि लगभग, अब बात करें तो 12 घंटे पूछताछ हुई और 2 बजे से लगभग 11 बजे तक लगातार पूछताछ हो रही थी। इसमें अगर बात की जाए तो पहले से अगस्त में ही नोटिस भेजा गया था। इसमें अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी साथ में उनके पुत्र अब्बास अंसारी और उनके साले और उनके ससुर, इन सभी लोगों को नोटिस भेजा गया था। आपको बताया कि बेनामी संपत्ति का आरोप इन पे लगा है और पूछताछ के दौरान अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी से सैकड़ों सवाल पूछे गए और जो उनकी तरफ से जवाब दिए जा रहे थे उनसे भी सवाल बनाकर मुख्तार अंसारी से पूछे जा रहे थे। अगर बात की जाए तो पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्त में लेकर और आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अभी अगर बात करें तो बेटे, उनके साले और ससुर सहित 3 को भी नोटिस भेजा गया है। जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनसे बात करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। और अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के 12 ठिकानों पर बीते अगस्त छापेमारी हुई थी जिसमें संपत्तियों का जायजा लेने के लिए ईडी की टीम गई हुई थी। अगर बात करें तो कल कई सारे दस्तावेज और तमाम अकाउंट्स को खंगाला गया ईडी की तरफ से, तो कई लंबे लंबे ट्रांजेक्शन मिले जिसमें अगर बात की जाए तो दुबई में प्रॉपर्टी की हो, चाहे शत्रु संपत्ति के अपार्टमेंट बनाने की बात हो, ये सभी जो है चीजें सामने निकल के आई है ईडी के। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी अब तक गिरफ्तारी का खुलासा नहीं किया है, मगर मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को अपने साथ लेके गई है। वहीं अगर बात की जाए तो छापेमारी के दौरान आपको बताया कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 100 करोड़ से अधिक बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी मिले थे। अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर के भी सबूत मिले हैं। साथ ही साथ आपको बताया कि कुछ मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी के कुछ मित्र जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके द्वारा शत्रु संपत्ति पे अपार्टमेंट बनाने का भी खुलासा हुआ है जिसमें अब्बास अंसारी के पैसे लगे हुए हैं। साथ ही आपको बताया कि जुलाई 2021 में ईडी ने एफआईआर किया था और साथ ही साथ अब इस पर पूछताछ हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब्बास अंसारी का गिरफ्तारी की गई है तो खुलासा कब तक किया जाए, क्योंकि अगर देखे तो कल लगभग 2 बजे के करीब ईडी ने उन्हें अपने शिकंजे में लिया था और लगभग 12 घंटों की पूछताछ के बाद अभी अगर बात की जाए तो अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। और आमतौर पर देखा ही जाता है कि जब ईडी की कार्रवाइयां होती हैं तो कुछ साफ नहीं हो पाता है जब तक अधिकारी आके और अपने जो तमाम उनकी तरफ से क्रिया की गई रहती है, जो तमाम कार्रवाई की गई रहती है उसके बारे में जब तक ना बताए। क्योंकि अगर बात करें तो ये मामला 2021 से चल रहा है और पहली दफा मुख्तार अब्बास के अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी से पूछताछ हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके ससुर और जो उनके साले का इसमें नाम आ रहा है उनसे, उनको भी नोटिस भेजा गया है और कब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और बात करें तो ऐसे अगर देखें तो ईडी इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से पूछताछ कर चुकी है, गिरफ्त में है। और अगर बात की जाए तो ससुर जमशेद रजा से भी पूछताछ की जाएगी, साले अतीक रजा से भी पूछताछ की जाएगी और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर सदाब को भी नोटिस भेजा गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी
किदाम मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी से पूछताछ पूरी हो चुकी है बेनामी संपत्ति को लेकर। साथ ही साथ इसमें परिवार के कई और लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी इस पूछताछ के बाद क्या कार्रवाई करती है। विवांशु, जानकारी के मुताबिक ईडी की पूछताछ के दौरान अब्बास अंसारी गोलमोल जवाब दे रहे थे, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी जब ईडी की टीम उनसे सवाल पूछ रही थी तो सवालों को वो घुमा रहे थे, उसी को देखते हुए साथ ही साथ उनसे सैकड़ों सवाल पूछे गए और सवालों से मिले जवाब को फिर सवाल बना जवाब 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 से सवाल बनाकर जब उनके सामने फिर सवाल रखे जा रहे थे तो वो कहीं ना कहीं जो अभी तक सामने आया है उसमें वो फंसते हुए नजर आए हैं। और ईडी की टीम उनसे विस्तृत पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्त में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां उनके ऊपर आरोप लगा है कि 100 करोड़ से ऊपर की जो बेनामी संपत्ति है उसको वो अर्जित किए हुए हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की टीम पूछताछ में क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या इस पर आगे करती है। जी विवांशु, जैसे अभी आपने कहा कि इनके परिवार से भी पूछताछ हो सकती है जिसमें कई लोग शामिल हैं, तो क्या लगता है ये कार्रवाई कब तक हो सकती है, पूछताछ कब तक की जा सकती है? जी ये बात करें तो ये मामला नवंबर का है, 2021 नवंबर का है, तब से ईडी की टीम लगातार अब दस्तावेजों को जुटा रही है, अकाउंट्स को संभाल रही है। अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के पुत्र के गैजेट्स भी कब्जे में लेकर उसको भी जांच की जा रही है कि इससे क्या बातें हुई है, कहां कितने पैसे ट्रांसफर हुए, इन सब चीजों को बहुत ही सावधानी के साथ ईडी की टीम लगातार उस पर नजर बनाए हुई है। अगर बात की जाए तो इसके ठीक बाद जिसके भी अकाउंट्स में लंबे पैसे ट्रांसफर होंगे उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी नोटिस जाएगी। अगर बात की जाए तो उनके साले और उनके ससुर और उनके प्रॉपर्टी डीलर एक मित्र है जो कि सदाम, इनसे भी पूछताछ की जाएगी, इसके लिए नोटिस ही भेज दी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की पूछताछ मुख्तार अंसारी से कब खत्म होती है, क्योंकि उन्हें गिरफ्त में लिया गया है। इसमें अगर देखें तो पूछताछ की जाती है, तमाम प्रक्रियाएं होती है, आगे की कार्रवाई क्या होती है देखने वाली होगी, मगर जिन्हें भी नोटिस भेजा गया है जल्द से जल्द ईडी के समक्ष पेश होना होगा और जो कार्रवाई है उसको उससे पूरी तरह से सहयोग करते हुए ईडी का साथ देना होगा। जी विवांशु, अब्बास अंसारी के साथ उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के साथ उनके ड्राइवर को भी गिरफ्त में लिया गया है। पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी के वो परिवार के व्यक्ति बताए जाते हैं, साथ ही साथ आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी के साथ वो लंबे अरसे से हैं, तो कई ऐसे रहस्यों को कई ऐसे बातों को वो जानते होंगे, इसलिए दोनों को बिठाकर और दोनों से अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं और दोनों के जवाब को मिलाया जा सकता है, जैसा कि ईडी की टीम करती है। जब पूछताछ होती है तो सबके बयानों को अलग अलग लिखा जाता है, अलग अलग वर्बली रिकॉर्ड किया जाता है और जब सबसे पूछताछ हो जाती है तो उसके ठीक बाद सबके बयानों को मिलाकर फाइनल निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर बात की जाए तो उनके सरकारी गनर को वापस भेज दिया गया अभी, क्योंकि अभी मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी गाजीपुर से सुभसपा के विधायक है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ विधायक वाली सिक्योरिटी भी है, तो सिक्योरिटी को वापस भेजकर उनके चालक और मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब माना ये जा रहा है कि आज भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कल 12 घंटे पूछताछ हुई है, अभी वो गिरफ्त में है, तो ईडी अभी आगे भी उनसे पूछताछ कर सकती है और किसको किसको और नोटिस भेजेगी वो आज के पूछताछ के बाद साफ हो पाएगा। जी धन्यवाद विवांशु, तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास